नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हाजिर हूँ एक और क्राइम की स्टोरी लेकर, और आज की जो ये क्राइम स्टोरी है इसे सुनेंगे आप भी तो दंग रह जाएंगे कि मिथिला की उन पावन धरती पर जहाँ बहू जो है अपने ससुर के साथ किस तरीके से पेश आती है और कितने बड़े बड़े घूंघट लेकर वो ससुर से काफ़ी दूरियाँ बनाकर रखती है, ससुर हो या फिर उसका जेठ हो। लेकिन उसी पावन धरती में मिथिला में एक ससुर अपनी बहू को गंदी निगाह से देखे, गंदी नज़र से देखे और यहाँ तक कि उसको छूने की भी कोशिश करे और छू भी ले, तो फिर वो पावन धरती कहाँ रह जाती है। और ऐसे ऐसे लोगों की वजह से जो मिथिला है वो भी धीरे धीरे करके बदनाम होने लगा है। पिछली बार मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि कैसे मिथिला से और बिहार से कैसे जो है लोग रिश्ते को शर्मसार कर रहे हैं। लेकिन एक और यहाँ पे खबर आ रही है 22 नवंबर 2024 को, ये खबर आई है यानी कि कल ही के दिन, कि एक बहू अपने ससुर के ऊपर आरोप लगाती है कि उसका ससुर उसके साथ गंदी हरकतें करता है और वो पत्नी कोई आम आदमी नहीं है बल्कि एक बैंकर की पत्नी है। वो बैंकर जो कि बैंक ऑफ इंडिया में वो मैनेजर के पद पर है और उसकी पत्नी घर पर है, और वो जो बैंक मैनेजर है वो बंगाल में यानी कि कोलकाता में है, वहीं पर पोस्टिंग है उसकी, और इधर उसकी जो पत्नी है वो घर पे है। तो बताया जाता है कि उस वो जो महिला कह रही है वो उसके जो पति हैं बैंकर, उसकी शादी पहले भी हो चुकी थी और उससे दूसरी शादी की और अब वो तीसरी शादी भी कर लिया, ये खबर आ रही है। पहले जो उसकी शादी हुई थी वो 2014 में हुई थी, जिसके महज 3 साल बाद ही उस लड़की को उसने छोड़ दिया, उस पत्नी को छोड़ दिया, मार पिटाई किया, पता नहीं क्या सब। उसके बाद 2016 में इस लड़की से शादी की, जिससे उसे 1 साल के अंदर में एक बेटी पैदा हुआ, और बेटी जब पैदा हुई तो फिर जो उसके घर वाले होते हैं वो नाखुश। अब वो महिला करे तो करे क्या, क्योंकि बच्चा तो ऊपर वाला देता है, तो इसलिए वो जुल्म सहती रही। 2020 में फिर उस महिला को एक बेटा पैदा होता है, फिर उसके बाद घर के अंदर थोड़ी बहुत खुशहाली आती, खुशहाली ये ज़्यादा तक रहती नहीं। करीब 1 साल बाद फिर उस महिला को प्रताड़ित किया जाता है। उसके जो पति हैं, पहले उसका गोवा में था पोस्टिंग, फिर मुजफ्फरपुर, फिर उसके बाद कोलकाता हो गया था, तो वो जो पत्नी है उसकी वो यहीं पर रहा करती थी और उसके जो पति है उसकी ट्रांसफ़र जो लगातार होती रहती थी। अब 2022 का वक्त आ गया, 2022 में जब वो महिला अपने घर के अंदर साफ कर रही थी तमाम चीज़ें, तो उसको एक पेपर मिलता है। उस पेपर में लिखा हुआ था उसकी जो पहली पत्नी थी, जिसके बारे में उसे मालूम नहीं था, उस पत्नी का वो सारा चीज़ लेटर जो है लिखा हुआ मिलता है, जिसके बाद वो अब अपने पति पर दबाव बनाती है, पूछताछ करती है, घर के लोगों से पूछताछ करती है कि आखिर इसकी शादी जब पहले हो रखी थी तो फिर किन कारणों से उसको छोड़ा और फिर मुझे क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या उसे भी तो कहीं छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए इस बात की वो तहकीकात करती है, जिसके बाद उसके घर वाले उसको मारते हैं, पीटते हैं, फटकारते हैं, उसके पति भी उसको फटकारते हैं। लेकिन 2024 अभी जो 22 नवंबर को मैं बता रहा हूँ, इससे कुछ दिनों पहले ही उस महिला के साथ उसके जो ससुर हैं, उसके ससुर के घर के आसपास वो जाती है, जाने के बाद एक सिलेंडर उसे लेना था, सिलेंडर लेने के लिए जब पहुँचती है तो फिर उसके जो ससुर है उसको अंदर बुलाते हैं, अंदर बुलाने के बाद उसको बाहों में भर लेते हैं और उसे जो है अजीब तरीके से टच करते हैं, वो महिला खुद ही बता रही है, और टच करने के बाद उसको कहते हैं कि मेरे साथ रहो और मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, क्योंकि उसका जो बेटा है यानी कि उस महिला का पति, उसने दूसरी शादी कर ली है ऑलरेडी कोलकाता में, जिसको वो खाना बनाने के लिए रख रखी थी उसी के साथ वो रहता है। अब ये बात जैसे ही वो महिला सुनती है वो और भी अचंभित रह जाती है कि उसके पति, जिसके बारे में अभी तक उसको पता नहीं है कि उसने शादी कर ली है, वो एक खाना बनाने वाली से उसने शादी कर रखी है। अब ये महिला और भी गुस्से में आ जाती है, लेकिन उसके ससुर अब उसको प्रताड़ित करते रहते हैं, उसको बार बार अपने बाहों में जकड़ते हैं, उसके स्तन को छूते हैं, जहाँ जहाँ नहीं टच करना चाहिए वहाँ भी करते हैं। ये बात वो महिला खुद ही माइक पर आकर के बता रही है एक मीडिया रिपोर्ट। तो देखिए किस तरीके से मिथिला जो शर्मसार होता है और किस तरीके से जो हमारा मिथिला है, जिसे पावन धरती कहा जाता है, वो कैसे बदनाम होता है। अब वो महिला खुद ये बात कैमरे पर आकर के कह रही है, तो इसमें कोई गलत हो ही नहीं सकता, बिल्कुल बात सही ही होगी। तो अब वो महिला अपने दर दर की ठोकरें खा रही है, अलग अलग पुलिस स्टेशन या फिर तमाम जगह वो गुहार लगा रही है कि आखिर उसका क्या होगा।
देखिए क्या होता है, जो भी होगा आपके सामने होगा। बाकी ये थी एक खबर जो मैंने आप सभी को बताया। बाकी आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।